शातिर है, सिर फिरा है, संकी है, हत्यारा है, एक अदृश्य हत्यारा जिसे ना किसी ने देखा है, ना ही उसका कोई सुराग है, लेकिन उसके आहट से हर तरफ दहशत ही दहशत है। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन जिलों में लोगों की सांसें थमी हुई हैं। ना दिन के उजाले में, ना रात के अंधेरे में, उसके डर से घर से निकलने में लोग 100 बार सोचते हैं। एक ऐसा कातिल जिसे ना पुलिस जानती है, ना लोग जानते हैं, लेकिन उसके गुनाहों के निशान लोगों के रोंगटे खड़े कर देते हैं। ना बच्चे, ना बूढ़े, ना जवान, उसका निशाना सिर्फ 60 साल की महिलाएं हैं, जिन्हें न सिर्फ वो जान से मारता है, बल्कि पहले दुष्कर्म करता है, इसके बाद गला दबाकर मौत की घाट उतारते हुए नंगी लाश छोड़ जाता है। 3 दिन में 3 महिलाओं का कत्लेआम। पहले कत्ल की शुरुआत होती है बाराबंकी के रामसनेही घाट से 8 किलोमीटर दूर अयोध्या जिले के मवई थाना क्षेत्र से, जहां 6 दिसंबर 2022 को मवई थाना क्षेत्र की खुसेटी गांव में दोपहर के वक्त एक बुजुर्ग महिला की लाश मिली। महिला की उम्र 60 साल की थी। शव पर कपड़े का एक भी टुकड़ा नहीं था। शरीर पर चोट के निशान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि पहले महिला के साथ दुष्कर्म किया गया, इसके बाद गला दबाकर हत्या कर दी गई। पुलिस एक अनजान कातिल के पीछे दौड़ रही थी, क्योंकि हत्या से जुड़े ना कोई सुराग थे, ना ही कातिल ने कोई निशान छोड़ा था। पुलिस की तफ्तीश के सेंटर में थी महिला की नंगी लाश और एक अनसुलझा रहस्य। पुलिस हर पहलू पर तफ्तीश कर रही थी कि तभी बाराबंकी जिले के इब्राहिमाबाद इलाके में 62 साल की एक और महिला की लाश बरामद हो गई। 17 दिसंबर 2022 को इब्राहिमाबाद कोतवाली से 4 किलोमीटर दूर खेत में महिला की लाश मिली। फिर क्या था पुलिस के लिए नई चुनौती, क्योंकि इन दोनों ही कत्ल में सब कुछ हूबहू सा लग रहा था। इब्राहिमाबाद में भी महिला के शव पर कपड़े का एक भी टुकड़ा नहीं था, और यहां भी रेप के बाद गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। अब पुलिस ने तफ्तीश का दायरा बढ़ा दिया और दोनों ही संगीन जुर्म को एक साथ जोड़कर जांच शुरू की। कातिल कौन है, कत्ल क्यों कर रहा है, उसकी पहचान, उसका सुराग क्या है, पुलिस अभी इस बात से बेखबर थी। जुर्म की अंधेरी गलियों में पुलिस एक साए के पीछे भाग रही थी। हत्या और बलात्कार के दोनों गुनाहों को एक साथ जोड़कर चल रही पुलिस को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब 30 दिसंबर 2022 को रामसनेही घाट कोतवाली से 3 किलोमीटर की दूरी पर ठेठराहा गांव में एक महिला की नंगी लाश मिली। यहां भी महिला की उम्र 61 साल, रेप के बाद गला दबाकर हत्या और नंगी लाश छोड़ जाना, यानी इन तीनों कत्ल के पैटर्न सेम थे। 3 कत्ल के बाद पुलिस की गहरी नींद टूटी। अब पुलिस की कार्रवाई पर चलते हैं और ये भी जानते हैं कि पुलिस के हाथ किलर की धुंधली तस्वीर कैसे लगी। लखनऊ से पुलिस की स्पेशल टीम भेजी गई। महीने भर में 3 सनसनीखेज हत्याओं के बाद 2 जनवरी 2023 को बाराबंकी एसपी दिनेश सिंह ने इंस्पेक्टर विनोद बाबू मिश्र को लाइन हाजिर कर दिया। साइको किलर को पकड़ने के लिए लखनऊ से स्पेशलिस्ट की टीम भेजी गई। पूरे ऑपरेशन की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर लालचंद सरोज को सौंपी गई। लालचंद ने चार्ज संभालते ही अयोध्या सुल्तानपुर जिलों की पुलिस को एक्टिव किया और 35 से ज्यादा गांवों की सर्चिंग शुरू कर दी। पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उसके पास किलर से जुड़ी कोई भी जानकारी नहीं थी। लगातार पड़ताल के बाद पुलिस को जानकारी लगी कि कोतवाली से 3 किलोमीटर दूर दयारामपुरवा गाँव के एक लड़के के पास किलर का वीडियो है। पुलिस ने उस लड़के से संपर्क साधा और धुंधले वीडियो से तस्वीरें निकालकर पोस्टर बनवाए। इन 3 कत्ल से पहले कातिल की एक सुराग मिल चुकी थी। 3 रेप और हत्या की घटनाओं से पहले 5 दिसंबर 2022 को सुबह 9 बजे दयारामपुरवा गांव में किलर ने एक महिला की हत्या और रेप करने का प्रयास किया था।
पुलिस को वीडियो देने वाले लड़के ने फोन कॉल पर बताया कि सुबह सुबह गांव की 61 वर्षीय एक दादी शौच के लिए बाहर गई थी। मैं भी उस इलाके में था, अचानक मुझे दादी के चिल्लाने की आवाज आई। दादी उस दरिंदे से कह रही थी कि बेटा मुझे छोड़ दे, मेरे साथ ये मत कर, तेरी दादी की उम्र की हूँ। इतना सुनते ही मैं उस आवाज की तरफ बढ़ा। पास जाने से पहले मैंने फोन का कैमरा चालू कर लिया और वहां जाकर आवाज लगाई। आवाज सुनते ही वो दरिंदा तेजी से भाग गया। कोहरे की वजह से मैं उसे ठीक से देख नहीं पाया। कैमरे में उसकी एक धुंधली तस्वीर रिकॉर्ड हुई है। लड़के ने बताया कि घटना के बाद दादी ने जान बचाने के लिए मेरा शुक्रिया अदा किया। बदनामी के डर से इस घटना की जानकारी किसी को न देने को कहा था, इसलिए मैंने पुलिस को भी नहीं बताया। इसके बाद इसी तरह की और घटनाओं की जानकारी मिली, मैं भी चुप रहा। करीब 26 दिन बाद पुलिस ने मुझसे खुद संपर्क किया। कुछ गांव वालों ने बताया किलर भागते वक्त बाग में अपनी चप्पल छोड़ गया था, 3 दिन बाद उन्हें वापस भी ले गया है। 3-3 जिलों की पुलिस अपराधी को दिन रात तलाशने में लगी हुई है। अयोध्या बाराबंकी के हर शख्स की जुबान पर इसी किलर का जिक्र है। बाराबंकी एसपी दिनेश सिंह ने कहा, हत्यारे की तलाश हर लेवल पर की जा रही है। उसके पकड़े जाने से पहले हम इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी कोई जानकारी नहीं दे सकते। ऑपरेशन को लीड कर रहे इंस्पेक्टर लालचंद सरोज ने कहा, हम गांव-गांव जाकर महिलाओं को भरोसा और सुरक्षा दे रहे हैं। हत्यारे पर इनाम घोषित कर दिया गया है। थाना क्षेत्र के सभी गांवों में पोस्टर बंटवा दिए गए हैं। हम लगातार गहराई से नजर बनाए हुए हैं। हत्यारा जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा।